हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का जो ये वीडियो है ये उन कैंडिडेट्स के लिए है, उन बच्चों के लिए है जो बीएससी नर्सिंग या जीएनएम करने के बाद में नौकरी कर रहे हैं और नौकरी के साथ साथ वो चाहते हैं कि यार हमारी सरकारी नौकरी की तैयारी भी हो जाए या नोट सेट या जो भी हम एग्ज़ाम दे रहे हैं उसकी तैयारी भी हो जाए, तो वो कैसे कर सकते हैं उसके लिए वीडियो हमने बनाया है आज का। तो बच्चों, पहली बात तो ये है कि आप लोग अलग नहीं हो। अलग नहीं हो मतलब कि आप अकेले नहीं हो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा जो जीएनएम कर रहा है या बीएससी नर्सिंग कर रहा है वो मिडिल क्लास फैमिली से है। मिडिल क्लास फैमिली से होने के कारण घर वालों की उम्मीद रहती है, अपेक्षा रहती है कि जैसे ही हमारा बच्चा पढ़ाई पूरी करे और वो घर में कुछ कमा करके देना शुरू कर दे, तो आप में से मैक्सिमम बच्चा, मैं तो कहता हूँ 80 से 90% स्टूडेंट जो जीएनएम या बीएससी कर रहा है, करने के बाद में वो एक बार नौकरी में ज़रूर जाता है। जीएनएम वालों के लिए तो वैसे भी 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एम्स नोट सेट देने के लिए या कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए, तो उनको तो वैसे भी जॉब करनी होती है। और बीएससी वाला भी सोचता है कि 4-5 साल पढ़ाई में निकाल के आया तो थोड़ा कुछ पैसा मैं कमा लूँ और साथ में प्रैक्टिस भी हो जाए और पेशेंट को जो हमारी टच करने की आदत है, जो हमारी प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस भी हमारी बनी रहे। तो ऐसे बच्चे किस तरीके से नोट सेट की तैयारी कर सकते हैं, किस तरीके से एग्ज़ाम साथ के साथ पढ़ते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहली चीज़ है कि भाई मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है या मुझे सरकारी नौकरी पानी है, उसके लिए सबसे फर्स्ट चीज़ है वो है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है कि भाई मुझे सरकारी नौकरी अपने हाथ में चाहिए, ये मोटिवेशन आपको रखना है। इस मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए क्या करोगे, कैसे मोटिवेट रहोगे, क्योंकि जिस दिन आपका मोटिवेशन टूटा उस दिन आपको लगेगा यार छोड़ो यार मैं तो तैयारी नहीं कर रहा। तो आपको लगातार सतत कंटिन्यूअसली आपके पास एक मोटिवेशन चाहिए। उसके लिए आप क्या करो, मोटिवेटेड रहने के लिए आप अपने आस पड़ोस में देखो, अपने सीनियर्स में देखो कि कौन सरकारी नौकरी में गया है, कौन सेलेक्ट हुआ है। आप ऐसे मोटिवेशन के वीडियो देखो कि कौन कौन बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, किसकी रैंक अच्छी आ रही है और उसके बाद उसकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है। जितना आप 6 महीने में अर्न कर रहे हो उतना वो 1 महीने में कमा रहा है, तो वो कैसे कर पा रहा है, ये एक मोटिवेशन फैक्टर आपके पास होना चाहिए। जब तक कि आप मोटिवेटेड नहीं रहोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपनी पढ़ाई शुरू भी कर लोगे तो उसको लगातार नहीं रख पाओगे, क्योंकि एक साथ आप एक तरफ तो आपके पास जॉब की जिम्मेदारी रहेगी, दूसरी तरफ पढ़ाई को भी रेगुलर रखना, ये दोनों चीज़ें मुमकिन नहीं हो सकती एक साथ अगर जब तक आप मोटिवेटेड नहीं हैं। तो सबसे पहली चीज़ हो गई हमारे पास में मोटिवेशन। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या हो जाती है, दूसरी चीज़ हमारे पास में हो जाती है कि हमको ऑप्शंस नहीं रखने हैं लाइफ में, मतलब अवॉइडेंस ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शन क्या कि यार चलो ठीक है सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं तो ये काम कर लूँगा, सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं तो ये मेरे दूसरे ऑप्शन में इस ऑप्शन की तरफ चला जाऊँगा। जितने वैरायटी के ऑप्शन आपके पास होंगे उतना आप कंफ्यूज हो। जैसे अपन एमसीक्यू का एग्ज़ाम करते हैं ना, एमसीक्यू के क्वेश्चन में कितने ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन में हम कन्फ्यूज जाते हैं। अगर 4 की जगह मान लो 6 ऑप्शन हो जाएंगे तो और ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे कि सही जवाब कौन सा है। इसी तरह से ज़िंदगी में अगर हम ज़्यादा ऑप्शन रखेंगे तो हम कन्फ्यूज़ होंगे कि हमें करना क्या है। तो हमारे को ऑप्शन कम रखने हैं या ऑप्शन हमारे सिर्फ एक ही रखना है, एक ही लक्ष्य है हमारा कि वो हमारे को सरकारी नौकरी पानी है, उसके लिए जो भी तैयारी करनी है नोट सेट को हम बेस मान लेते हैं, क्योंकि अगर आपने एक बार नोट सेट की तैयारी की तो आपकी ऑटोमेटिकली सारी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी की तैयारी हो जाती है, कोर सब में सेम है। तो आपको अर्जुन की तरह मछली की आंख देखनी है, आपको ऐसा नहीं देखना कि उसके आसपास और क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपको एक उद्देश्य रखना है, एक एम रखना है, ऑप्शंस हमारे पास कम से कम रखने हैं, ठीक है बच्चों। तीसरा हमारे पास में आ जाता है कि हमारी कंपनी कैसी होनी चाहिए, हमारे यार दोस्त कैसे हैं। तो आप ऐसे बच्चों को, आपके साथ ऐसे कलीग्स को अपनी फ्रेंडशिप रखो जो कि खुद भी आपकी तरह इंटरेस्टेड हो पढ़ने में। उससे क्या होगा, आप दोनों में कंपटीशन की भावना बनी रहेगी, उस कंपटीशन की भावना बनी रही रहेगी तो मोटिवेशन भी रहेगा। एक आपका कलीग अगर पढ़ेगा साथ में तो आपको लगेगा ये पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ाई करूं, तो एक तो मोटिवेशन बना रहेगा। दूसरा कहते हैं कि कंपनी हमेशा अच्छी होती है पढ़ाई करने के लिए, आप दो दोस्त मिलकर के पढ़ाई करोगे तो आप एक दूसरे को कुछ ना कुछ मदद भी कर पाओगे। अगर आप अकेले अकेले रेस में दौड़ने वाला आदमी तो हमेशा फर्स्ट आता है बच्चों, और वो लास्ट भी होता है क्योंकि उसको यही नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, इसलिए अकेले रेस पे नहीं दौड़ना। आप अपना जो दोस्त है आपके साथ पढ़ रहा है
उसे अपना कॉम्पिटिटर नहीं माने, क्योंकि कंपटीशन के लिए हमारे पास और भी दुनिया में लोग हैं। इसलिए एक व्यक्ति, एक फ्रेंड आप अपना ऐसा चुने जो आपकी जैसी सोच रखता हो, जो आपके साथ में कि नहीं हम दोनों मिलकर के तैयारी करते हैं, वो हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो तीन बातें हो गई। पहला हो गया हमारा मोटिवेशन, दूसरा हमें कम से कम ऑप्शन रखने हैं, तीसरा हमें कंपनी अच्छी रखनी है, चौथा ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, कि हमारी जॉब कैसी होनी चाहिए। तो आप जहाँ जॉब कर रहे हो, कोशिश करो कि आप सिंगल शिफ्ट में ड्यूटी लो, यानी कि आपकी मॉर्निंग चल रही है ड्यूटी, तो कोशिश करो कि यार मुझे मैक्सिमम मॉर्निंग मिले। या आप इवनिंग पसंद करते हो तो आप लगातार इवनिंग करो, या ओनली नाइट कर सकते हो तो ओनली नाइट करो। ठीक है, हालांकि नाइट ड्यूटी थोड़ा मुश्किल है कर पाना, इसलिए अपन मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट पर फोकस करते हैं या जनरल शिफ्ट कर सकती है। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आप एक ही शिफ्ट में ड्यूटी करोगे तो आपका एक रूटीन बन जाएगा कि भाई रोज़ सुबह मुझे ड्यूटी जाना है और उसके बाद शाम को पढ़ाई करनी है। ठीक है, लेकिन ऐसा जनरली देखने को नहीं मिलता, क्योंकि देखो नर्सिंग स्टाफ है, मैं भी मेडिकल से हूँ, मुझे पता है अपनी शिफ्ट में ड्यूटी चलती है, सप्ताह में 2 दिन मॉर्निंग, 2 दिन इवनिंग, 2 दिन नाइट चलती है। तो कोई बात नहीं, हमारे पास उसके लिए प्लान बी है। प्लान बी क्या है, हमको सबसे पहले जैसे मान लो सोमवार से स्टार्ट कर लेते हैं, सोमवार मंगलवार अपनी मॉर्निंग ड्यूटी है, बुध गुरु को इवनिंग ड्यूटी है, शुक्र शनि को नाइट है और संडे को हमारा ऑफ है। अब ये सिस्टम चलेगा ना, सोम की जगह किसी बुध को मॉर्निंग आएगी, तो हम ये मान लेते हैं। तो आप क्या करो इसमें, कि सोमवार को आपका ड्यूटी का टाइम है 8 से 2, आप ड्यूटी करने गए, कोशिश करो कि आप ओवर दे करके सब कुछ करके 2:30 बजे तक फ्री होकर घर आ जाओ, 3 बजे तक अपना खाना वाना खा पी करके आप फ्री हो जाओ। 3 बजे से लेकर के हम ये मान रहे हैं कि आप 4, 4:30 बजे तक आप सो लो, रेस्ट करो, है ना। आने के बाद में रेस्ट करना जरूरी, क्योंकि आप दिन भर जो काम करके आए हो तो दिमाग आपका चलेगा नहीं। 5 बजे तो हमको ये टारगेट रखना है कि 5 बजे से मुझे पढ़ने बैठना है, कैसे भी 5 से लेकर के 8 बजे तक, 8:30 बजे तक 3 घंटे अपने को पढ़ाई करनी है लगातार। उसके बाद 8:30 बजे आप वापस हल्का फुल्का डिनर ले सकते हो, डिनर अपने को बच्चे थोड़ा कम रखना है, क्यों, ज़्यादा डिनर करोगे तो नींद आएगी, इसलिए खाना अपने को थोड़ा डिनर है वो कम रखना है। उसके बाद आप वापस पढ़ने बैठ जाओ, 9 बजे से लेकर के वापस आप जो है 12, 12:30 तक अपने पढ़ाई कर सकते हो, तो 6 घंटे आपको ये पढ़ाई के मिल रहे हैं। रात को 12, 12:30 अपने को सोना है, 6 घंटे की नींद प्रॉपर चाहिए, सुबह 6:30 तक उठ सकते हैं। उसके बाद आपको 8 बजे ड्यूटी जाना, 1.5 घंटे आपका बहुत समय है, उस 1.5 घंटे में आप तैयार हो सकते हो, अपना चाय पी सकते हो, नाश्ता कर सकते हो और अपने को 8 बजे तक ड्यूटी पे पहुंच जाना है। ये आपकी सोमवार की रूटीन हो गई। मंगलवार को भी आप सेम रूटीन फॉलो करोगे, लेकिन बुधवार की आपकी इवनिंग ड्यूटी है, तो आपको फ़ायदा क्या मिल गया कि बुधवार को सुबह जल्दी नहीं उठना, तो आप उस मंगलवार को नाइट में लेट नाइट स्टडी कर सकते हो, या फिर बुधवार को सुबह जल्दी उठ करके 3-4 घंटे आप अपने वहाँ पे एक्स्ट्रा डिवोट कर सकते हो। ठीक है, इवनिंग ड्यूटी में आने के बाद जैसे हमारी इवनिंग ड्यूटी हो गई 2 से 8, तो 8 बजे से अपन कोशिश करें कि 8:30 तक अपन ड्यूटी से घर वापस आ जाएं या अपने रूम पे वापस आ जाएं। 9 बजे अपने को नाश्ता करके, खाना करके, जो भी है हल्का फुल्का खा के अपने को पढ़ने बैठना है, और इवनिंग ड्यूटी में अपने को लेट नाइट तक अपने को थोड़ी कोशिश करनी है, लेट नाइट तक पढ़ें, बीच में चाय की चुस्कियाँ भी ले सकते हो, 1-2 बार चाय पी सकते हो। उससे क्या बेनिफिट होगा आपको कि आप लेट नाइट पढ़ोगे तो अगले दिन सुबह आपको जल्दी जाने की हेडेक नहीं है। तो अपने को कोशिश ये करनी है कि अपने को 6 से 8 घंटे अपने को निकालने हैं, और अगले दिन इवनिंग में जब ड्यूटी जाओ उससे पहले 1 घंटा आप रेस्ट करके जाओ, ताकि आप ड्यूटी पे जाओ तो आपका दिमाग थोड़ा ताज़ा बना रहे। ठीक है, तो ये आपकी बुधवार और गुरुवार की दिनचर्या हो गई। अब गुरुवार की आपने जब इवनिंग ड्यूटी की, नाइट पूरा आपके पास है, और शुक्रवार का पूरा दिन आपके पास है, क्योंकि आपको शुक्रवार को सीधा नाइट ड्यूटी जाना है। ठीक है, अब नाइट ड्यूटी देखो अपनी 12 घंटे की होती है, और 1 घंटा अपन एक्स्ट्रा मान लेते हैं आने जाने का, ओवर देने का, हैंडओवर दिया सब चीज़ का, 13 घंटे तो हमारे शनिवार को शुक्रवार को हमारे जा रहे हैं लाइफ के। हमारे पास सिर्फ 11 घंटे बचते हैं, उस 11 घंटे में से हम 6 घंटे की नींद निकाल दें तो हमारे पास सिर्फ 5 घंटा बचा, 2 घंटा और हम निकाल देते हैं तो 3-3 घंटे ही आप पढ़ पाओगे 2 दिन, लेकिन संडे का दिन या जो ऑफ का दिन मिलेगा वो आपको पूरा 24 घंटे का दिन मिलेगा। उस 24 घंटे के दिन में आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। दूसरा, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस आप ऑफ वाले दिन कर सकते हो। एक चीज़ और मैं इसमें बताना चाह रहा था कि शनिवार के दिन आप नाइट ड्यूटी में जब जाते हो तो अपने साथ में एक MCQ की बुक लेकर के जरूर जाएं। आपको जब वहाँ ड्यूटी पे समय मिले नाइट ड्यूटी में तो आप MCQ सॉल्व करें, क्योंकि नाइट ड्यूटी में या ड्यूटी के साथ में आप थ्योरी नहीं पढ़ सकते, थ्योरी को याद नहीं कर सकते, पर हाँ पढ़े हुए को, क्योंकि जो हम सोम मंगल बुध गुरु में जो पढ़ते आए हैं उसके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हम कर सकते हैं।
तो आपको क्या करना है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आपके ड्यूटी पे नाइट ड्यूटी का कोशिश करो सॉल्व करने की। ऐसा नहीं है कि आप अपना काम छोड़ के पढ़ने बैठ जाओ, लेकिन आप अपना एक्स्ट्रा टाइम अगर मिलता है तो उसमें वहाँ बातें करने की जगह, मोबाइल चलाने की जगह आप ये सब काम कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, संडे का दिन आपको मिल गया, संडे को आप अच्छा समय दे सकते हो पढ़ाई को। और एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको खुद से कॉम्पिटिशन करना है। कैसे खुद से कॉम्पिटिशन करना है कि आपने किताब उठाई तो किताब में जैसे 100 सवाल हैं तो आप अलार्म लगा लो कि इन 100 सवाल को सॉल्व करने में मुझे कितना समय लग रहा है, ठीक है। पहली बार हो सकता है आपको 100 सवाल सॉल्व करने में ज़्यादा समय लगे, 2 घंटे लग जाएं, 3 घंटे लग जाएं, लेकिन अगली बार जब आप करोगे तो आपको उससे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको अगली बार में उससे कम टाइम लगेगा। तो इससे क्या होगा, आपकी एमसीक्यू को करने की जो स्पीड है वो स्पीड आपकी जो है इंक्रीज होगी और आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। दूसरी चीज, एमसीक्यू जब आप सोल्व करते हो तो पहली बार में देखो उसको इस तरह से सोल्व नहीं करना कि वन बाई वन नहीं करना। आप एक एमसीक्यू की आपने किताब उठाई जिसमें आंसर पीछे हो आगे नहीं है, ठीक है। हाँ, तो आप वहीं के वहीं आंसर नहीं लिखे हुए हों, आप एक पेपर पे लिस्ट बनाओ, क्वेश्चन नंबर 1 to 100 का लिखो आप, और आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आप क्या आंसर समझते हो वो आंसर लिखो, यानी कि खुद की आंसर की भरो, जैसे आप एग्जाम में आंसर की भरते हो वैसे। बाद में 100 क्वेश्चन करने के बाद आप जब उस आंसर की कुछ चेक करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा इसमें से हमारे इतने सवाल सही हो इतने गलत हैं। तो जो सवाल आपके बेसिक नॉलेज से पहली बार में सही हो जाते हैं वो तो आपके 99% हमेशा सही हो जाएंगे, और जो सवाल आपके सही नहीं हो रहे, मान लो आपके 50 सही हो गए, 40 सही हो गए, 60 सही नहीं हुए, तो उन 60 पे आप निशान लगा लो कि अगली बार रिवीजन में मुझे सिर्फ वो 60 ही करने हैं, क्योंकि 40 तो मैं पहले बिना पढ़े भी सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। अब जो आपके पास 60 बचे, जब आप अगली बार उनको करोगे तो एक बार आप उनका आंसर पढ़ चुके हो, फिर उसका हाथों हाथ नंबर मत लो, उसको समय दो। 6 से 7 दिन बाद जब आप पढ़ोगे, 6 से 7 दिन बाद जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कि हाँ भाई ये 60 जो है इनमें से भी आप 30-35 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। तो इस तरीके से आपको पता लगता जाएगा डिफिकल्टी लेवल का कि मेरा खुद का लेवल क्या है, कि कौन सी चीज़ मुझे बिना पढ़े आ जाती है, कौन सी मुझे एक बार पढ़ने के बाद याद रहती है, कौन सी चीज़ मुझे 2 बार पढ़ने के बाद याद रहती है। और कंटेंट हमारे को लिमिटेड पढ़ना है, ऐसा सब कुछ नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि क्या है कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के चक्कर में दुनिया में इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हो इतना सा भी याद नहीं रहता। तो अपने को क्या, इतना पढ़ो और इतना ही याद रहे, ये हमारे को एक इसमें करना रहता है। एक ये आपकी बात हो गई जॉब की, जॉब कैसी करनी है। अब इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि हम हमारी दिनचर्या कैसे मेंटेन करें। दिनचर्या कैसे मेंटेन करना, जैसे सबसे बड़ी समस्या होती है खाने की समस्या, कि खाना कैसे करें, खाना बनाएंगे तो कैसे मैनेज होगा। कोशिश ये करें कि खाना खुद ना बनाएं, जो घर पे रहते हैं जिनके पेरेंट्स हैं खाना वो बनाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम कोशिश करें हॉस्टल में रहें, हॉस्टल में जो नहीं रहते रूम लेके रहते हैं वो या तो मेस से खाना लगवाएं। अगर फिर भी नहीं है कि सब हमको तो इन सब में से कुछ भी सेट नहीं हो रहा, तो खाना एक बार बनाएं ऐसे समय और उसको 2 बार उपयोग करें, ताकि आपका खाना बनाने में जो है समय खराब ना हो ज़्यादा। और अगर आप किसी ग्रुप के साथ रह रहे हैं, फ्रेंड के साथ रह रहे हैं, तो दोनों जने हैं वो आपका एक दूसरे का काम बांट लें कि भाई आज ये काम मैं करूँगा, कल मैं ये काम करूँगा। तो आपको एक माइक्रो प्लानिंग इसमें करनी पड़ेगी। अगर आप माइक्रो प्लानिंग करोगे तो आप अपनी जॉब के साथ भी समय बचा पाओगे, पढ़ने के लिए समय निकाल पाओगे। एक इसमें रात में सोते समय 2 बूंद गाय का घी अगर नाक में डाला जाए तो उससे आपको नींद, कम समय में गहरी नींद पूरी होती है। तो आपको नींद, जो नींद की कमी वाली बात जो है आपके पास में नहीं आएगी बच्चों, ठीक है। और कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होंगी, जैसे पढ़ते समय क्या करेंगे हम, पढ़ते समय हमने पढ़ाई कर ली डेली की डेली, और जब हम सोने जा रहे हैं तो उस समय हमें क्या करना है, हमने दिन भर जो पढ़ा सिर्फ दिमाग में उसको रिवाइज करना है कि मैंने दिन में क्या क्या टॉपिक पढ़े और क्या वो मुझे याद है कि नहीं याद है। और जब आप सो के उठो तो एक बार वापस याद रखना कि कल मैंने क्या पढ़ा था और वो मुझे याद है कि नहीं याद है। केवल इतना करने से ही आपके दिमाग की मेमोरी बढ़ेगी, आपके दिमाग की कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह की चीज़ें अपना करके, इस तरह की माइक्रो प्लानिंग करके आप अपनी जॉब के साथ भी कंटिन्यू पढ़ाई कर सकते हो। और नॉर्सेट की तैयारी में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं, क्या नहीं पढ़ने हैं, वो चीज़ें हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो कॉमन चीज़ें हैं, वो सबके लिए है, वो जो जॉब कर रहा है उसके लिए भी है, जो जॉब नहीं कर रहा उसके लिए भी है। लेकिन जॉब करने वालों के लिए जो विशेष बातें थी याद रखने की, वो सारी बातें मैंने आज के वीडियो में
आपको शेयर कर दी है, तो इसको आप अमल में लाइएगा, मोटिवेट रहिएगा। और अपने जो भी दूसरे ऑप्शन है दिमाग में वो नहीं लाने हैं, जॉब पे हारमोनी बना के रखनी है, अपना माइंड शांत रखना है। नौकरी में रोज़ कभी ये झगड़ा होता है, कभी इससे सुना हो गई बात, वो हो गई, उन सब बातों पर फोकस नहीं करना। ये सब हमारी लाइफ के क्या डिस्टर्बेंस है, ये हमारी लाइफ को डाइवर्ट करते हैं। तो हमारे को अपने शांति से नौकरी करनी है, ताकि वहाँ पर अगर कोई घटना होती है, झगड़ा हो जाता है, तो आप दिन भर उसी के बारे में सोचते रहोगे। कभी किसी सीनियर ने डांट दिया तो दिन भर उसी के बारे में सोचते रहोगे, अपना मूड ख़राब करके लाओगे। अपने को वो सब चीज़ों में नहीं पढ़ना, अपने को सिर्फ अपनी नौकरी करनी है और उसके बाद में आके अपनी पढ़ाई करनी है। ज़िंदगी में साल दो साल की मेहनत आपको बहुत सफलता तक लेके जा सकती है। अभी जितना आप 6 महीने में कमाते हो सकता है आपको ऐसी नौकरी मिल जाए जिसमें आप 1 महीने में 6 महीने के बराबर की तनख्वाह को हासिल कर सको। तो इसलिए जो मैंने बताया है, इन सब बातों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा और आप पढ़ाई कीजिए, हम आपके साथ में हैं। लक्ष्य क्लासेस हम आपकी टोटल क्लासेस फ्री ले रहे हैं अभी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ाई कीजिए। और मेरी तरफ से आपको फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक।